तो देखिए, आज हम रस के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, रस का क्या, रस के साथ जो रिलेशन होता है महाभूत का, महाभूत फिर जो ऋतु का रिलेशन है, जो गुड़ का रिलेशन और जो तीनों दोषों का रिलेशन है, उसको आज देखेंगे कि कैसे इन सभी चीज़ों को एक साथ हम कैसे मैनेज कर सकें। क्योंकि पेपर में सिर्फ रस लिख के आता है, फिर हम पेपर में महाभूत के बारे में भी लिख सकते हैं, ऋतुओं के बारे में भी लिख सकते हैं, गुड़ के बारे में भी लिख सकते हैं। इन्हीं ऋतु और गुड़, जो भी गुड़ होते हैं, उन्हीं के आधार पे कौन से रस की किस ऋतु में वृद्धि होती है, या फिर कौन से रस हम किस महाभूत महाभूत के अनुसार जब हम औसत देते हैं, तो यहाँ पे भी महाभूत को लेकर के हम रस को देते हैं कि कौन सा रस हमें देना चाहिए जब भी हम औसत देते हैं तो, और कौन से दोष का समन होगा, कौन से दोष का प्रकोप होगा, ये भी अब आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि मधुर रस होता है, आपको पता है कि 6 रस होते हैं, तो मधुर रस होता है। मधुर रस में कौन कौन से महाभूत होते हैं, तो जल प्लस पृथ्वी होती है। फिर जो अम्ल रस है, उसमें पृथ्वी प्लस अग्नि होती है, वो लवण जल प्लस अग्नि। तो ये तो आपको याद ही होंगे, अगर नहीं है तो उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक टाइप कुछ, आप जैसे कैसे याद करें इस चीज़ को, तो फिर आप ऐसा लिख लीजिए कि 1 से लेके 5 तक, जैसे कि हम महाभूतों को याद करते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जब हम इसे ऐसे याद करते हैं, तो उसे आप 1, 2, 3, 4, 5 करके लिख लीजिए, और उसे ऐसे कि पृथ्वी प्लस जल, तो 5 और 4 मतलब 54, ऐसे करके कि 54, 53 मतलब 5 मतलब पृथ्वी, 3 मतलब अग्नि, 4 मतलब जल, 4 मतलब जल और 3 मतलब अग्नि, 2 मतलब वायु, 3 मतलब अग्नि, ऐसे करके आप अपने समझने के लिए कि कैसे याद करेंगे, तो इसको आप बना लीजिए, जिससे आपको ये जल्दी से जल्दी याद हो सके। फिर देखिए, कौन से ऋतु में कौन से रस की उत्पत्ति होती है, तो ये भी यहाँ से पता चल जाता है। तो हमने जैसे कि हम याद करते हैं, हम क्या याद करते हैं ऋतुओं का, एक हमने जब ऋतुचर्या पढ़ा था तो उसमें बताया था शिवाग्री, शिवाग्री वासा हे, इसका मतलब था शिशिर वसंत ग्रीष्म, वासा हे मतलब शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें चेंज करना है, हमें उल्टे, जैसे कि आप यहाँ पे मधुर से कसाय तक लेंगे, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसाय, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शिशिर वसंत उसके बाद ग्रीष्म लेना है। यहाँ पे सिर्फ चेंज है, बाकी पूरा सही है। देखिए, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत मतलब शिवाग्री, यहाँ पे सिर्फ शिशिर और वसंत को चेंज करना है आपके कन्वीनियंट के लिए, कि आपको जल्दी जल्दी ये चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे सिर्फ शिशिर को हमने तिक्त रस में लिया है, बाकी फिर वसंत सिर्फ यहीं पे चेंज होता, बाकी उल्टे क्रम में चलेगा, मतलब शिवाग्री वासाहे में तो ऐसा होना चाहिए शिवाग्री, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि शिशिर जो है वो तिक्त रस में आ जाता है, मतलब जो शिशिर ऋतु होती है उसमें तिक्त रस प्रधान होता है, तो आपको याद करने के लिए कन्वीनियंट हो इसके लिए बता रहे हैं। उसके बाद जो गुड़ है, इन्हीं के गुड़ के आधार पर कौन से ऋतु में हमें कौन सा भोजन देना चाहिए, मतलब कौन से रस का भोजन करना चाहिए, इन्हीं के आधार पर होता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मधुर रस है, मधुर रस में जो है स्निग्ध, शीत और गुरु होता है, ठीक है। तो हमें हेमंत ऋतु ठंड काल होता है, ठंडी का टाइम होता है, विंटर का टाइम, ठीक है। जब ये जो होता है तो ये आपके दिसंबर और जनवरी में आता है हेमंत ऋतु, ठीक है। तो उसमें जब आता है तो आप देखिए, यहाँ पे हमें गुरु, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अग्नि बहुत प्रदीप्त होती है, तो उस टाइम पे हमें ये देखिए गुरु आहार करना चाहिए, स्निग्धता, क्योंकि रुक्षता ज़्यादा होती है, इसलिए हमें स्निग्ध आहार करना चाहिए। फिर देखिए, यहाँ पे जो है मधुर के संबंध में जो गुण लिखे हैं, स्निग्ध शीत गुरु, अम्ल के संबंध में स्निग्ध उष्ण लघु, लवण के संबंध में स्निग्ध उष्ण गुरु, और कटु के संबंध में रूक्ष उष्ण लघु, और तिक्त के संबंध में रूक्ष शीत लघु, कषाय के संबंध में रूक्ष शीत गुरु। अब देखिए, इन्हीं के इनका जो रिलेशन होता है, इन्हीं के आवेश में हम अपने दोषों को प्रकोपित या फिर समन कर सकते हैं। अब कैसे समझें इस चीज़ को कि कौन सा रस पिलाने पे कौन सा दोष समन होगा या कौन सा दोष प्रकोप होगा, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको आपको ये चीज़ें देखनी है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि जो मधुर होता है, तिक्त होता है और कषाय होता है, ये पित्त का समन करते हैं, तो पित्त का समन मतलब उष्णता का समन होना चाहिए, कौन कौन से, मधुर तिक्त और कषाय। जब आप इनके ही उसमें जाते हैं कि मधुर तिक्त कषाय, तो देखिए मधुर जो होता है वो शीत होता है,
फिर देखिए तिक्त जो है वो भी शीत है और जो कषाय है वो भी शीत है, तो ये लोग क्या करेंगे, उष्णता का नाश करेंगे, तो पित्त समन हो गया, तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। उसी जगह देखिए ये उष्ण 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 ये किस में है, अम्ल लवण और कटु में, तो जब हम इसका ये बनाते हैं तो देखिए यहाँ पे अम्ल लवण और कटु क्या करते हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं, उष्मा बढ़ा देंगे, कौन, क्योंकि ये उष्ण है, ये उष्ण गुण वाले हैं, इसलिए, तो ऐसे करके आपको समझना है। उसी प्रकार स्निग्ध गुण, जो स्निग्ध गुण होते हैं, तो स्निग्ध गुण क्या करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे, कफ प्रकोपक होंगे, तो देखिए यहाँ पे जो मधुर अम्ल लवण है वो कफ का प्रकोप कर देंगे, ठीक है। और इन्हीं का उल्टा स्निग्ध की जगह अगर हम रुक्षता बढ़ा दें तो रुक्षता में क्या होगा, वात प्रकोप हो जाएगा, तो देखिए ये जो तीनों होते हैं कटु तिक्त कषाय ये क्या करते हैं, वात प्रकोप का काम करते हैं, ठीक है। और अगर आप स्निग्धता बढ़ा देंगे तो वात का समन हो जाएगा, या फिर आप जो रुक्षता बढ़ा देंगे तो कफ का समन हो जाएगा, तो ये जो है ये गुण के बेसिस में होता है। अगर आपको गुण अच्छे से आते हैं तो आप इसे यहाँ पे बना सकते हैं कि कौन से दोष की वृद्धि होगी, कौन से दोष का समन होगा, और कैसे हम रसों को डिसाइड करते हैं कि कौन से ऋतुओं में देना है, क्योंकि इनके गुण के आधार पर ही हम ऋतुओं में उनको देते हैं। जब हम ऋतुचर्या पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस ऋतु में किसका देना, कौन सा रस देते हैं और क्यों देते हैं, क्योंकि इनके गुण के आधार पर ही हम रस को देते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन सबको रिलेट कर सकते हैं, गुण के आधार पे, ऋतु के आधार पे, महाभूत के आधार पे रस को, और दोषों के आधार पे। तो दोषों को कैसे रिलेट करना है, आज के वीडियो में इतना ही।